हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम पंखे को खोलने और जैसे बैरिंग निकालते हैं, इसका बैरिंग निकालने से रिलेटेड जो दिक्कत होती है हमें यहाँ पे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम मतलब इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास ये पंखा है, इसका जो ये बैरिंग है ये काफ़ी टाइट हो गया है यहाँ पर और ये आसानी से निकल नहीं रहा है, तो इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये एक टूल आता है फ्रेंड बैरिंग निकालने के लिए, इसमें क्या है कि जैसे इसको पंखे के बैरिंग में फिट करके और इसमें जैसे गैप होता है तो गैप में कोई पेच वगैरह इसमें फंसा के, और अगर इसमें हम ये चूड़ियाँ हैं, हाँ ये चूड़ियाँ टाइट करेंगे इसमें, तो इसमें ये बैरिंग आसानी से निकल जाता है। तो इसमें चाहे जितना मर्जी टाइट बैरिंग हो वो आराम से निकल जाता है। तो ये देखिए ये किस तरीके से अभी इसको यहाँ पे ये जो चाबी है, चाबी से अभी टाइट करना पड़ेगा और इसके बाद ये बैरिंग निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में मैंने मतलब बहुत से पंखों के मतलब यहाँ पे बैरिंग बताए हुए हैं, कैसे निकालते हैं पंखे को, कैसे हम असेंबल करते हैं और असेंबल करने के बाद भी पंखा जाम हो जाता है, वो भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए और मेरे पंखे के इस तरीके के वीडियो आते रहते हैं पंखों से रिलेटेड, तो उसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपकी पंखे से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे पंखे की कनेक्शन की दिक्कत है या कोई और कैपेसिटर कंडेंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैंने इस वीडियो से पहले पंखे के कनेक्शन का वीडियो भी डाला हुआ है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। मैं इस तरीके के वीडियो अपने चैनल पर डालता ही रहता हूँ। तो ये देखिए हमने इस पंखे का तो बैरिंग है वो निकाल लिया है, इसके बाद ही हमने यहाँ पर एक और दूसरा पंखा लिया है। तो ये यहाँ पे हम इस पे ये फिट कर देंगे और इसको फिट करके यहाँ पे निकाल लेंगे। क्या होता है फ्रेंड, कई बार जैसे हम घर पे पंखे का बैरिंग निकालते हैं तो पंखे का बैरिंग निकालते टाइम हम जैसे हथौड़ा या घर में कुछ भी जो टूल्स होते हैं उनको हम प्लास पेचकस जो भी है उनको हम जैसे यूज़ करते हैं तो उनसे बैरिंग नहीं निकल पाता। तो क्या होता है कई बार पंखा ख़राब भी हो जाता है, पंखे की बॉडी पे स्क्रैच पड़ जाते हैं, पंखा ख़राब हो जाता है और कई बार पंखे की बॉडी टूट भी जाती है। तो ये एक ये जो काम है ये एक तरीके से होता है, अगर आप इसको तरीके से नहीं करोगे तो पंखे की बॉडी ख़राब हो जाएगी, उससे फिर पंखे की बॉडी कोई काम की रहेगी नहीं। तो इसलिए आप ये वीडियो को पूरा देखिए और ये टूल्स फ्रेंड मैंने इसमें ये टूल्स से बताया हुआ है बैरिंग कैसे निकलता है, लेकिन ये टूल्स अगर आपके समझ में नहीं आ रहा कैसे काम करता है तो मैं आपको डीपली इस टूल के बारे में अगले वीडियो में भी बता दूंगा, इस टूल का क्या नाम है, ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बता दूंगा। और इसमें और भी बहुत सारे बैरिंग के अलग अलग टूल आते हैं तो मैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगा, अगर आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा। तो ये हमने इसका पंखे का बैरिंग यहाँ पे निकाल लिया है और अभी हम इसमें नया बैरिंग फिट कर देते हैं। तो बैरिंग जैसे हम निकालते हैं वैसे ही हमें बैरिंग फिट करना भी अच्छे से आना चाहिए, अगर बैरिंग जैसे कुछ आडा तिरछा फिट हो जाता है या ठीक से फिट नहीं हो पाता तब भी फिर पंखे में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, पंखे की शीट घिस जाती है उसमें और मतलब कि या तो पंखे का अंदर का कवर घिस जाता है या शीट घिस जाती है, ठीक है, या फिर पंखा जाम हो जाता है, कई प्रकार की दिक्कत आ जाती है इस तरीके से। तो ये अच्छे से फिट करना पड़ता है बैरिंग, बराबर बराबर चारों तरफ से फिट करना होता है। तो ये देखिए ये हम यहाँ पे ये पंखे का बैरिंग फिट कर रहे हैं, इस तरीके से आप भी इसको
फिट कर सकते हो। पंखे पे मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से मतलब चोट करनी है, धीरे धीरे करके उसको बैरिंग को जैसे अंदर खिसका के और धीरे धीरे करके चारों तरफ से सेट करना होता है। तो ये अभी ये बैरिंग इसमें सेट हो गया है, हम इस पर एक पुराना बैरिंग लेके और इस पर लगा के थोड़ी चोट मार देंगे तो ये और अच्छे से अंदर फिट हो जाएगा, जिससे ये मतलब अंदर हिलेगा नहीं, घिसेगा नहीं। तो ये फिट हो गया है इसमें। और अभी हमने ये पहले पंखे का जो बैरिंग निकाला था यहाँ पे, तो इसमें भी हम एक नया बैरिंग लगा देते हैं। तो कई पंखे ऐसे होते हैं जिनमें बैरिंग आसानी से निकल जाते हैं और आसानी से लग भी जाते हैं। जैसे ये देखिए हमने इसमें ये बैरिंग लगाया, ये बहुत ही आराम से यहाँ पे लग गया। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से इसमें चला गया, इसमें इसके लिए पूरी जगह है। ये यहाँ पे अच्छे से फिट हो गया है। फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, और वीडियो में कहीं भी अगर कुछ बताने की जानकारी वगैरह देने की ज़रूरत होगी तो मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताता रहूँगा। ये देखिए ये हमने यहाँ पे एक नया पंखा यहाँ पे खोल के दिखा रहे हैं आपको। तो कई बार जैसे हम पंखा खोलते हैं, खोलते टाइम भी हम पंखे को कई बार ख़राब कर देते हैं, बॉडी को तोड़ देते हैं, तो इसको भी खोलने का तरीका होता है एक, तो उससे ये आसानी से आराम से खुल जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा पुराने पंखे होते हैं, वो पंखे जैसे जाम होते हैं पूरे तरीके से, वो आसानी से खुलते नहीं हैं। तो ये पंखा ये देखिए, ये इसको जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पे ज़मीन पे हल्का हल्का यहाँ पे करेंगे ज़मीन पे, तो उससे ये थोड़ा सा ढीला हो गया है यहाँ पे पंखा। और जैसे इसके बाद हम यहाँ पे इस पर थोड़ा सा पीछे से हल्का सा चोट कर देंगे, तो ये जैसे हमने ये भी नहीं है इस पर पीछे से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चोट मारनी है, नहीं तो ये क्या होती है, ये जो पाइप होता है ये बैठ जाता है फिर पीछे से, फिर इसमें मतलब कि जैसे बैरिंग कवर वगैरह डालने में दिक्कत आ जाती है। और जैसे इसको पंखे को खोलते टाइम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो ये वायर हैं उनको हम पहले ही ऊपर की तरफ निकाल लें। अब ये देखिए मैंने जैसे ये पहले वायर ऊपर की तरफ निकाले नहीं थे, तो अभी मेरे को बाद में निकालने पड़ रहे हैं, ये ध्यान नहीं रहा। लेकिन ये ध्यान रखने की बात तो होती है, आपको ध्यान रखनी चाहिए पंखा खोलते समय। तो अभी ये वायर हम अभी इनको बाहर निकाल लेंगे ऊपर की तरफ। ये पंखे में वैसे सबसे पहला काम होता है खोलते टाइम, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इनको बाद में निकाल लिया, उससे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई यहाँ पे। तो ये पंखा यहाँ पे खोल लिया है हमने, और ये बैरिंग यहाँ पे अच्छे से घूम रही है यहाँ पे मोटर। तो अभी हम इसको यहाँ पे निकाल लेंगे मोटर को भी, लेकिन क्या है ये मोटर भी यहाँ पे बैरिंग के अंदर फंसी हुई है। तो कई बार क्या करते हैं हम, जैसे साइड में पंखे पे चोट मार देते हैं तो पंखे का कवर वगैरह मुड़ जाता है यहाँ पे, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। ये जैसे पेचकस लेके अभी हमने ये इसके अंदर छेद होते हैं उनमें कोई भी पेचकस या कोई रोड वगैरह लगा के हल्का हल्का उस पर चोट करनी है। जैसे अगर नहीं भी निकल पाता तो फिर उसको निकाल के दूसरे किसी होल में डाल के रोड, और फिर दोबारा हमने चोट करनी है। तो क्या होता है उससे पंखे का कवर चारों तरफ से ढीला हो जाता है, तो वो ढीला होके फिर नीचे की तरफ निकल जाता है। तो ये देखिए अभी हमने ये मोटर तो यहाँ पे निकाल ली है, और निकालने के बाद ये हमारे पास ये कवर है यहाँ पे। तो हम इनमें जैसे बैरिंग वगैरह जो इनमें दिक्कत है बैरिंग की, तो वो हम चेंज कर देंगे। ये देखिए ये यहाँ पे एक बार घुमा के जैसे चेक कर लेते हैं, कई बार
मतलब कि कई बार क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि पंखे में आवाज़ आ रही है तो दो बैरिंग है, तो दो बैरिंग में ये पता नहीं लगता कि बैरिंग मतलब नीचे का बैरिंग ख़राब है या ऊपर का बैरिंग ख़राब है, पता नहीं लगता, वो तो पंखा खोलने के बाद ही पता लगता है। तो अभी हमने खोल लिया है, इसमें ये ऊपर का बैरिंग हमने चेक किया और ये नीचे का बैरिंग, जैसे ये ऊपर का बैरिंग अभी ख़राब है तो इसको हम पहले निकाल लेंगे यहाँ पे। तो हमने ये जैसे इसको घुमाया तो इसमें कुछ आवाज़ आई थी बैरिंग में, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। और इसको निकालने के बाद जैसे बैरिंग फिट कर देंगे, फिट करने के बाद फिर पंखे को चला के देखेंगे, अगर तब भी दिक्कत हुई तो फिर हम जैसे नीचे का जो बैरिंग है उसको भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। और या फिर जैसे अगर हमें पहले ही पता लग जाता है कि भाई नीचे का बैरिंग भी ख़राब है तो हम उसको पहले ही चेंज कर लेते हैं। तो ये अभी हम ऊपर का बैरिंग यहाँ पे निकाल लेते हैं, उसी टूल से हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि फ्रेंड हमारे पास यहाँ पे टूल है तो हम टूल का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पे। जैसे हम और सब औजारों से मतलब कि निकालने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि टूल से बहुत आसानी से निकल जाता है बैरिंग, और इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती कवर वगैरह का या किसी टाइप का, यहाँ पे नुकसान भी नहीं होता। तो ये देखिए, ये यहाँ पे हमने ये निकाल लिया है बैरिंग को, और ये बैरिंग निकलने के बाद इस टूल में ही रह जाता है। तो इसके नीचे जो हम जैसे पेच लगाते हैं वो पेच हमने खोल के फिर बैरिंग को यहाँ पे निकालना पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पे बैरिंग निकाल लिया है, और अभी हम इसमें यहाँ पे नया बैरिंग लगा देंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, मतलब कि जो ज़्यादातर पंखे होते हैं वो जैसे ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो उनके जलने का कारण ज़्यादातर बैरिंग ही होते हैं। क्या होते हैं, जैसे बैरिंग है तो वो जाम पड़ जाता है बैरिंग, तो हम उस टाइम उस पर ध्यान नहीं देते बैरिंग पे, ये बैरिंग जाम हो गया। जैसे पंखे में आवाज़ आ रही है तब भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, पंखे को चला रहे हैं, और थोड़े टाइम में वो बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। शुरू में तो वो कम जाम होता है तब वो चलता रहता है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे करके ज़्यादा जाम हो जाता है, और फिर वो इतना जाम हो जाता है कि जैसे मोटर पंखे के अंदर लगी होती है तो वो अपना प्रेशर देती है लेकिन बैरिंग घूमता नहीं है, तो फिर इस वजह से मोटर जल जाती है अंदर से, काली पड़ जाती है, मोटर जल जाती है अंदर से। तो ज़्यादातर बैरिंग के कारण ही मोटर जलती है। अगर टाइम पे हम अपने पंखे का बैरिंग ख़राब होते ही अगर हम बैरिंग को चेंज करा लें तुरंत ही, तो उसमें मोटर जलने का खतरा नहीं रहता, बहुत कम मतलब चांस होते हैं कि अब मोटर जलेगी, और ज़्यादातर चांस है कि बैरिंग की वजह से ही जलेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपके घर में पंखा है, कभी भी बैरिंग उसका ख़राब हो जाए तो शुरू में तो क्या है, जैसे कम ही पैसा लगेगा, लेकिन बाद में जैसे मोटर जल जाती है तो फिर बैरिंग का खर्च भी हो जाता है उसमें, फिर मोटर का खर्च भी हो जाता है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, 500-700 रुपये आपके आसानी से उसमें पंखे में लग जाते हैं, फिर सर्विस हो जाती है, बैरिंग हो जाता है, मोटर हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा भी कई खर्चे होते हैं, वो कई बार वो भी हो जाते हैं, जैसे शीट का खर्चा हो गया, शीट घिस गई उसका खर्चा हो गया, छोटे छोटे और भी कई खर्चे हो जाते हैं। कंडेंसर भी ख़राब हो जाता है, कई बार पंखा जाम हो जाता है उससे, कंडेंसर भी फिर चेंज करना पड़ता है उसका। तो अगर आप शुरू में ही ध्यान दे लो तो ऐसा नहीं होता फिर। तो अभी हमने ये उसका बैरिंग निकाल लिया था और उसमें नया बैरिंग डाल दिया था, अब हम ये जो एक बैरिंग और है इसको भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये जैसे हमने, वैसे तो ये टूल्स पे रस्सी वगैरह बंधी हुई नहीं आती, ये सिंपल टूल ही आता है, लेकिन ये क्या है, ये हमने यहाँ पे रस्सी वगैरह बांध के इस पे थोड़ा जुगाड़ किया हुआ है टूल पे, कि मतलब इससे थोड़ा काम आसान हो जाता है। जैसे हम इसमें नीचे की तरफ पेच लगाते हैं तो क्या है, ऊपर से वो टूल है जो टाइट होता है,
ये अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन जैसे आप इस टूल को यूज़ करोगे तब इसमें जैसे अगर कोई दिक्कत आएगी आपको तब ये आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम इस पर रस्सी वगैरह क्यों बांधते हैं। सभी टूल्स में रस्सी वगैरह बांधनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन कभी कभी टूल पुराने भी हो जाते हैं, उस वजह से भी मतलब उनमें थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये जो बैरिंग है इसका, ये थोड़ा ज़्यादा टाइट है इस पंखे का। इसमें भी कुछ दिक्कत हल्की फुल्की इस बैरिंग में भी लग रही थी हमें, तो हमने सोचा चलो इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो ये हमने इसके दोनों साइड में बैरिंग लगाए हैं, थोड़ा गैप कम है यहाँ पे, और इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत थी, तो हमने ये इसका थोड़ा नीचे बैरिंग का जुगाड़ करके और यहाँ पे इसको टूल को फिट कर दिया यहाँ पे, और इससे आसानी से निकल भी जाएगा। ये जो बैरिंग वगैरह हम निकालते हैं इनका हमें थोड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो उस वजह से हम इसको आसानी से निकाल लेते हैं बैरिंग को, किसी भी तरीके का छोटा बड़ा बैरिंग हो उसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। और ये इसमें बैरिंग निकल गया है, अभी हम इसमें यहाँ पे एक दूसरा बैरिंग लगा देंगे, फिर उसके बाद हम इसको पंखे को फिट कर देंगे। फिट करने के बाद भी फ्रेंड्स पंखे में दिक्कत आ जाती है, पंखा जाम हो जाता है कई बार, हम ढंग से उसको फिट नहीं करते, ठीक है, उसका रिंग ढंग से नहीं लगाया, रिंग आडा तिरछा कई बार लग जाता है पंखे को बंद करते टाइम, वो रिंग उसमें टच हो जाता है, तो उस वजह से भी कई बार दिक्कत आ जाती है। तो जब तक ये इसमें बैरिंग वगैरह लग के और इसका जो मोटर है, मोटर वगैरह इसमें फिट होते सब कुछ, और जब तक ये पंखा चले नहीं तब तक हम इस पंखे को बिल्कुल सही नहीं कह सकते, लेकिन ये वैसे सही हो जाएगा पंखा, वैसे इसमें यही दिक्कत थी, हमने देख ली अच्छे से। तो ये यहाँ पे जैसे हमने इसको फिट कर दिया है और ये इसके ऊपर ये जो कवर है ये लगा दिया हमने, और अभी हमने यहाँ पे इसको ये फिट करना होगा अच्छे से, ये बराबर फिट होना चाहिए नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी इसमें। तो फ्रेंड्स वीडियो जैसे आपने देखी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस टाइप की वीडियो और भी हमारे चैनल पे बहुत सी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, लाइक करने से थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, तो ये देखिए ये यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर देंगे। ये थोड़ा थोड़ा करके ये तीनों ही पेज को हम धीरे धीरे करके, मतलब एक साथ नहीं टाइट करना इनको पेज को, और इसके बाद जैसे हम इसको ये घुमा रहे हैं तो अच्छे से चल रहा है ये, तो ये फिट हो गया अच्छे से।